And welcome back to my channel. Today's topic is numericals on series and parallel combination of capacitor. जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके बीच में मैंने कॉम्बिनेशन बताया हुआ कैपेसिटर के, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है. इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा इजी भी नहीं, कॉमन सी प्रॉब्लम. अब देखिए, ये तीन जो है ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और ये तीनों सीरीज में है. एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमारे को पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है. तो उसका बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है. अगर तो करंट बराबर है, अब जैसे यहाँ पे करंट जाएगा, लेट अस से अगर करंट यहाँ से आई जा रहा है तो यहाँ पे भी आई आएगा, डिवाइड नहीं होएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो करंट दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा ना. अगर यहाँ पे बात करूँ तो करंट तीन जगह पे डिवाइड हो जाएगा. तो इसको देख के हमारे को पता चल जाता है कि ये सीरीज के बीच में है या पैरेलल में. सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है. देखिए, अब ये दोनों पैरेलल में, ये तीनों भी पैरेलल में, जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया पैरेलल में सी पैरेलल जो होता है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होता है. खैर, यहाँ तीनों जो कैपेसिटर है वो इक्वल कैपेसिटी के हैं. इक्वल कैपेसिटेंस क्या है, सी प्लस सी प्लस सी, इसकी क्या बन जाएगी, थ्री सी. इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, C प्लस सी ट्वाइस ऑफ सी, इसकी बन जाएगी थ्राइस ऑफ सी. ये तो सी है. अब इसको मैं अगर रीड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बनेगा. ये सी है, ये ट्वाइस ऑफ सी है, ये थ्री सी है. अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में है तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है. हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमारे को इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा कुछ ये वैल्यू आएगी, और सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6C/11. तो ये एक बड़े सिंपल सा क्वेश्चन था. इसका पहला पार्ट ये था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी. अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि मुझे वर्क डन बाय द बैटरी निकालना है, कि ये बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा. आप नोट भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट था इसका कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बैटरी. देखिए, अब वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए, चार्ज. क्यों चाहिए, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है. हाँ जी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी. वी तो मुझे पता है, लेकिन क्यू पता नहीं पता. मगर मुझे एक बात पता है कि जो क्यू होता है वो सी वी के बराबर होता है. ठीक है जी, तो यहाँ पुट कर लेते हैं क्यू इक्वल टू सी इंटू वी इंटू वी. सी की वैल्यू मैंने निकाली, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 6C/11 वी इंटू वी वी स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या आ गया, नेट वर्क डन. तो ये एक नॉर्मल से हमारे पास एग्जांपल थी. एक और देखते हैं एग्जांपल. जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बीच में भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही है. अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी हो तो है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. ये सर्किट दिया हुआ है हमारे को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं ए और बी के बीच में. देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना एक हमने माइंड में हमेशा चीज रखनी है कि हमने हमेशा फार एंड से स्टार्ट करना है. अगर इन दोनों के बीच में हमने कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमेशा एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, पहली बात. दूसरी बात, ये जो फालतू के लूप्स बन रहे होते हैं ना, जो लूप्स बने हुए हैं जिसके थोड़े अलग से निकले हुए हैं, पहले उनको खत्म करना है. खैर, इसके बीच में वो लूप तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ से निकालें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. अब ये देखो, ये दोनों
पैरेलल में है, आपको पता है पैरेलल के बीच में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सी वन प्लस सी टू, सी वन इन दोनों को हम ऐड कर दें, इसका मतलब अगर ऐड कर दे तो ये उड़ जाएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो वन प्लस वन टू का हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब ये देखो दो तीन, ये तीनों किसमें हैं, सीरीज के बीच में, सीरीज के बीच में हमारे को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, ये क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू, और सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टू बाय थ्री। ठीक है जी, हम इसको भी उड़ा देते हैं, इन तीनों की जगह हम एक नया कैपेसिटर लगा देते हैं, कितने का जी, टू बाय थ्री माइक्रोफेरेड का हो गया। अब देखो ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में, पैरेलल में क्या होती है, सिंपल एडिशन होती है, तो टू बाय थ्री प्लस वन, थ्री एलसीएम आ गया, थ्री टू प्लस वन, सॉरी थ्री फाइव बाय थ्री आ गया। हम इन दोनों को उड़ा के एक जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितने का होगा जी, फाइव बाय थ्री माइक्रोफेरेड का। अब ये तीनों किसमें है जी, सीरीज के अंदर, सीरीज के बीच में हमारे पास वही फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फाइव बाय थ्री। अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस करने हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी के पास कोई ना कोई बुक ज़रूर होगी, बुक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करो और उस क्वेश्चन को करके अपने आप को वैल्यूएट करो, क्योंकि एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्शन आएगी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का न्यूमेरिकल के ऊपर। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।